బ్యాక్ ఎల్బీ స్టేడియం లో జరుగుతున్న బీజేపీ భారీ బహిరంగ సభను లైవ్ లో చూద్దాం. కహినా చాహుంగా కి ఏక్ బార్ తెలంగాణ కి జనతా నే టిఆర్ఎస్ కో మౌకా దియా, బస్ ఏక్ బార్ భారతీయ జనతా పార్టీ కో మౌకా దేకర్ దేఖో. యే మే తెలంగాణ కి జనతా సే ప్రార్థనా కర్నా చాహతా హూం. జిస్ ప్రకార్ సే 4 సాల్ 3 మహీనే మే जो केसीआर ने तेलंगाना की जनता को जो धोखा दिया, जो केसीआर ने एमआईएम के सामने सर झुकाकर जो एमआईएम को इस कितना सहयोग किया, मैं आप सबको यही आश्वासन देना चाहूंगा. अरे जब 15 मिनट की बात करते हो, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट पूछता हूं. अरे मैं मेरी सिक्योरिटी छोड़ूंगा, तू तेरी सिक्योरिटी छोड़, आज आप 5 मिनट एलबी स्टेडियम में कबड्डी खेल लेंगे. अरे यहां से कौन बच के जाएगा यह देख ले. अरे 15 मिनट की टाइम पूछने वाले गद्दार, यह भारत देश हमारा है और इस भारत देश में जो कहीं भी रहना है तो भारत मां की जय और वंदे मातरम गाना ही होगा. मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूं, अब की बार तेलंगाना में मोदी सरकार बनना ही है मेरे भाइयों. और तेलंगाना में मोदी सरकार बनेगी तो तेलंगाना का यह दो ही दो लक्ष्य होगा हमारे भारतीय जनता पार्टी का. पहला लक्ष्य होगा विकास का, दूसरा लक्ष्य होगा हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर रखेंगे मेरे भाइयों. अरे जो मुगलों के समय पर, जो निजाम के समय पर, जो कुली कुतुबशाही के समय पर जो हमारे प्राचीन नामों को बदल के जो रखा गया, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि तेलंगाना में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. जिन्होंने तेलंगाना के लिए प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे महान वीरों के नाम इन सभी निजामियों के नाम हटाकर हम रखेंगे. ये मैं आप सबको आश्वासन देना चाहूंगा. मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी यहां पर पधारेंगे. एक कुत्ता बोलता है कि मोदी जी हैदराबाद आके बता. अरे मोदी जी एक बार नहीं कई बार आके चले गए, तू कुछ नहीं कर सकता. अरे और एक छोटा कुत्ता कहता है कि जो भी मुख्यमंत्री बनता है हमारे सामने पैर झुकाता है. अरे झुकाते तो होंगे तेरे सामने पैर, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा तुझको हम हमारे पैरों के नीचे रख देंगे, यह भी समय आएगा देखेगा तू. अरे कभी भी भारत देश को नौजवानों का मत ललकार. जिस दिन भारत के नौजवानों की फिर गई बेटा, तेरे घर में घुस के तेरे को फिरा देंगे. मेरे भाइयों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर एक एक आदमी 100-100 वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दलाना है. आजू बाजू दोस्त, यानी सोशल मीडिया का अच्छे से अच्छा उपयोग हमें करना है मेरे भाइयों, अच्छे से अच्छा उपयोग. मैं यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाई बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ऐसे कितने लोग चाहते हैं, अपने फोन की लाइट खोल के मुझे बताइए. तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ऐसे कितने लोग चाहते हैं, अपने फोन की लाइट खोल के बता दीजिए. अरे जो सोचते हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक बार मीडिया के माध्यम से एलबी स्टेडियम का माहौल देख ले कि किस तरह से यहां पर जगमगा रहे हैं कार्यकर्ता. धन्यवाद मेरे कार्यकर्ताओं, जय श्री राम.